एक तरफ कांग्रेस कर्नाटक की जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ उसके घर में ही फूट पड़ी है। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है, गहलोत और पायलट। अब घर की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बात जेल तक पहुंच गई है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है, ये बात किसी से नहीं छिपी। राज्य में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, गहलोत और पायलट खेमे में जंग तीखी होती जा रही है। सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इसी बीच गहलोत ने इशारा कर दिया है कि पायलट बहुत जल्द ही जेल जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ बजाज नगर थाने में धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि खातीपुरा की रहने वाली कौशल्या देवी ने चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ बिना भुगतान किए धोखे से जमीन हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। वही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इस मामले पर कहा, दूध का दूध पानी का पानी करने की जरूरत है, मैंने चेक लगाए नहीं अभी तक। सोलंकी ने सफाई में कहा, सचिन पायलट के साथ हूं और आगे भी रहूंगा, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। पायलट समर्थक विधायक का गहलोत पर आरोप है कि उन पर धोखाधड़ी का फर्जी केस दर्ज कराकर भूमाफिया बताकर छवि बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सोलंकी ने कहा कि उन्हें सचिन पायलट के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। चाकसू विधायक सोलंकी ने कहा, दूसरे विधायकों की भी भ्रष्टाचार की जांच करानी चाहिए, गहलोत सरकार हमारे ऊपर निगरानी रख रही है, कुछ भी हो सकता है। दरअसल सचिन पायलट के समर्थक और चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ जयपुर में एक महिला ने 4.56 हेक्टेयर जमीन हड़पने का आरोप लगाया और जयपुर में सोलंकी के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि सोलंकी ने चेक दिखाकर उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। वहीं पायलट के करीबी विधायक सोलंकी का आरोप है कि ये केस उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है, महिला पर दबाव बनाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। सोलंकी ने कहा, पायलट के साथ खड़े होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि महिला से उन्होंने 1.5 महीने पहले जमीन खरीदी थी, उन्होंने महिला को 30 लाख के चेक भी दिए थे, लेकिन महिला का किसी बैंक में खाता नहीं है और वो चेक कहीं लगाए नहीं जा रहे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सोलंकी ने कहा कि केस दर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है, जांच की जाए, अगर मैं गलत हूं तो सजा मिले, लेकिन 1.5 महीने बाद किसी को भड़का कर मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाना साजिश है। बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हर 5 साल पर राज्य में सत्ता बदल का रिवाज चला रहा है। कांग्रेस अगर पार्टी को नहीं संभाल पाती तो फिर रिवाज कायम करने में नाकाम रहेगी। कांग्रेस में झगड़ा है तो उधर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।